मैं अब्दुल शेख और अभी हम खड़े हैं नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में और यहाँ पर माननीय श्रीमान बंटी शेड़के जी जो अभी नगर सेवक है और कांग्रेस यूथ के सचिव भी है और हम जानते हैं कि हमने इनका मतलब दो दिन पहले वीडियो देखा है कि बंटी शेड़के जी जो ऐसे शख्स है कि जो जनता के काम के लिए दिन हो या रात जब अगर से कोई अपना प्रॉब्लम लेके जाता है उनके पास में तो ये किसी को वापस नहीं करते, मतलब उनका जहाँ तक कोशिश हो उनका काम करने की कोशिश ही करते हैं। लेकिन हमने इनका जो समझना दो दिन पहले मतलब रूप देखा है इनका, मतलब जो नाराज़ होना पब्लिक को, मतलब सही ढंग से मतलब सेवा नहीं मिल पा रही है, तो हम जानते हैं शेड़के जी से कि इनकी नाराज़गी की वजह क्या है और क्या प्रशासन पब्लिक को साथ नहीं दे रहा या हॉस्पिटल का क्या हाल है, आइए जानते हैं शेड़के जी से। नमस्कार शेड़के जी, आपका तत्काल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर बताइए, आपके जैसा आपकी जो हमने जो देखे नाराज़गी, तो इसका नाराज़गी की वजह क्या है सर? जो आप आयुक्त ऑफिस में गए थे तो, और दवाखाने की स्थिति क्या है अभी, ऐसा मेहो की, वेंटिलेटर की और बेड की? बस नाराज़गी की वजह इतनी है कि अगर समझ लीजिए, अगर रेडियंस हॉस्पिटल का सबसे पहले मुद्दा हम यहाँ पर अगर लाएंगे तो रेडियंस हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो महानगर पालिका के माध्यम से आपको वहाँ पर जानकारी भी मिलेगी कि रोज़ सबसे ज़्यादा अगर डेथ रेशियो अगर कहीं पर अगर कोई हॉस्पिटल अस्पताल का अगर होगा तो वो रेडियंस अस्पताल का है। रोज़ 6 से 7 से 8 लोग वहाँ पर जो है वो मृत्युमुखी वहाँ पर जा रहे हैं। और रेडियंस हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो दीपक वर्मा जी जो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनके खुद के मतदार संघ में रहते हैं, नरेंद्र नगर में रहते, तो देवेंद्र फडणवीस जी के वहाँ पर रहने वाला जो शख्स है जो दीपक वर्मा जी जो थे, तो उनके छोटे भाई जो है, छोटे भाई पहले मिलिट्री में थे, तो उनकी भी डेथ 5 महीने पहले उनकी डेथ हुई थी। 5 महीने पहले उनकी डेथ होने के बाद में अभी ये 4 दिन पहले जो है दीपक वर्मा जी जिनकी उम्र 44 साल थी और जिनका बच्चा जो है, बच्चा उनका 6 साल का था, बच्ची उनकी 2 साल की है, वो रेडियंस अस्पताल में एडमिट थे। 3 दिन रेडियंस अस्पताल में एडमिट रहने के बाद में वहाँ पर उन्होंने 3.5 लाख रुपये में बिल तो निकाला, वो तो बात पैसे की बात अलग है, लेकिन रेडियंस अस्पताल में वाक्य ऐसा हुआ दीपक शर्मा जी के साथ में जिनकी अभी मृत्यु हो गई। तो उनको सबसे पहले बताया गया था कि भैया आप क्रिटिकल हो, उनके घर वालों को फ़ोन करके दूसरी बार बताया क्रिटिकल हो उसी दिन। तो उसके बाद में उनकी जो वाइफ है यानी स्वर्गीय दीपक वर्मा जी, इनकी जो अर्धांगिनी जो है वो दीदी जो है, वो दीदी वहाँ पर पीपी किट पहन के वहाँ पर रेडियंस अस्पताल में गए थे। रेडियंस अस्पताल में जाने के बाद में वहाँ पर जो बाउंसर है यानी वहाँ पर दीपाली पूरे, डॉक्टर दीपिका पूरे, डॉक्टर मनोज पूरे, जिन्होंने जो बाउंसर जो रखे हुए खुद की रक्षा के लिए और अस्पताल के रक्षा के लिए है ना, तो वो बाउंसर लोगों ने वो दीदी जो है, दीदी पीपी किट रहने के बाद में पैर भी पड़ रही थी, पैर पड़ के बोल रही थी कि कृपया करके मुझे मेरे पति को देखने, तो मेरे पति अगर मुझे देखे तो कहीं ना कहीं पर उनको हिम्मत आएगी और फिर से मेरे पति जो चलने फिरने लगेंगे। वो तो क्रिटिकल थे लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में उन्होंने रात में 10:50 में फ़ोन करके डॉक्टर लोगों ने वहाँ पर बताया उनके घर वालों को कि आपके पति की मृत्यु हो गई करके, मृत्यु तो हो गई 10:50 में। तो उनका भांजा जो है, उनका भांजा वहाँ पर अस्पताल में पहुँचने के बाद में, अस्पताल में पहुँचने के बाद में आ रहे हुए डॉक्टर, वहाँ पर डॉक्टर सुमित थे, वो डॉक्टर सुमित और हम लोगों को फ़ोन आया। हम लोगों को फ़ोन आने के बाद में हम लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन पहुँचने के बाद में सभी का कहना था कि आप लोग चलो। मैंने बोला कि मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं अगर ऊपर जाऊँगा तो वो लोग कुछ और आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगा सकते हैं और कुछ भी एफ आई आर दर्ज हमारे ऊपर में कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सीधा हम लकड़ागंज थाने में गए। लकड़ागंज थाने में जाने के बाद में लकड़ागंज थाने में वहाँ पर सब पुलिस निरीक्षक जो है विलास पाटिल जी थे जो इस्लामपुर के, तो उनको साथ में हम वहाँ पर लेकर गए। उनके साथ में उनका जो भांजा था राहुल, वो उनके साथ में वहाँ पर रेडियंस अस्पताल में ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 10:50 में ये डॉक्टर लोगों ने बताया रेडियंस वालों ने कि डेथ हो गई, लेकिन 11:15 वहाँ पर जाने के बाद में उनका ये कहना था कि भैया डेथ नहीं हुई है, क्रिटिकल है ठीक है, ऐसा उनका कहना था। जब पुलिस वालों के साथ में वहाँ पर जब गए तो पुलिस वालों को वहाँ पर जाने के बाद में डॉक्टर सुमित कहते हैं कि ये मैं कन्फ्यूज हो गया था, मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। मैं अरे तो तुम्हारा दिमागी संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो आप डॉक्टर हो क्या? दिमागी संतुलन बिगड़ गया किसने? डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने खुद ने कहा, डॉक्टर ने पहले कहा था कि भैया डेथ हुई 11:15 वहाँ पर जाने के बाद में, फोन पे कहा डेथ हो गई 11:15 वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद में डॉक्टर कहता है, डॉक्टर सुमित कि भैया नहीं क्रिटिकल है। पुलिस वालों को साथ में लेकर जाने के बाद में खुद कहता है कि भैया डेथ क्रिटिकल नहीं है, डेथ हो गई करके, और मेरा दिमागी संतुलन जो है खराब हो गया था, ये पुलिस वालों के सामने कहा। तो सर ऐसे डॉक्टर का जो दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, तो सर ऐसे डॉक्टर के वहाँ पर जो सामना पेशेंट जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा सर, अगर इनका मानसिक संतुलन। अगर आप, मैं आपको कल बताना चाहूँगा कि कल भी हमने वहाँ पर जाने के बाद में एक वीडियो हमने ये किया, तो वहाँ पर वो उनका एक 61 साल के हमारे एक चाचा थे वहाँ पर, एक दोस्त, एक किसी का फ़ोन आया था वहाँ पर गए, तो उनका जो है बिल, उनका 4.5 लाख रुपये उनका बिल था, 4.5 लाख रुपये उनका बिल था। उन्होंने कहा कि आप बिल पेमेंट करो नहीं तो हम लोग जो है उनका ऑटो निकाल देंगे। किसने कहा? डॉक्टर दीपिका पुरोहित जी ने। ये डॉक्टर दीपिका पुरोहित जी ने कहा कि हम ऑटो निकाल देंगे। बकायदा वो चीज़ की भी हमने लकड़ागंज थाने में जाकर रेडियंस के अस्पताल के विरुद्ध में वहाँ पर गुना दाखिल किया। सम्माननीय पालक मंत्री डॉक्टर नितिन जी राउत, इनके पास में जाने के बाद में उनको सारी चीज़ें वहाँ पर जो रेडियंस अस्पताल में जो जो
चीजें हो रही है वो चीजों से उनको अवगत कराया गया, और अवगत कराने के बाद में डॉक्टर नितिन राव जी ने भी कहा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में फॉलोअप लेकर इसके ऊपर कार्रवाई कर ये अस्पताल को हम लोग ताला लगाएंगे, ऐसा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राव जी ने भी कहा कल सम्मानीय नाना पटोली जी के साथ में और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी के साथ में हम लोग जो है विभागीय आयुक्त इनसे मिलने गए डॉक्टर संजीव कुमार जी से। वहाँ पर आयुक्त जो है हमारे नागपुर महानगर पालिका आयुक्त परम सम्माननीय आदरणीय परम पूजनीय राधाकृष्णन जी भी वहाँ पर थे। राधाकृष्णन जी यानी परम पूजनीय, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज नागपुर शहर की हालात आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है करके। यानी अगर समझ लीजिए मरीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर घर घर जाता है तो अकेला मरीज ठीक होकर नहीं जाता, वो तो अकेला मरीज जो है ठीक होकर चले जाता है, लेकिन उसके साथ में जो बिल जो रहता है, बिल वो बिल के कर्जे के तले दबकर जो और जो चार बाकी के जो लोग रहते हैं घर पर, वो घर पर रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पर खराब होता है, इतना ज़्यादा बिल देखकर इतना ज़्यादा कर्जा उनके सर के ऊपर में मंडराते रहता है। इसलिए परम पूज्य आदरणीय और परम सम्माननीय जो हमारे राधाकृष्णन जी जो नागपुर महानगर पालिका के जो आयुक्त है और जिनको तुकाराम मुंडे जी की जगह पर जो लाया हुआ है, तो वो उनके जो ऑडिटर्स हैं महानगर पालिका के, एक भी अस्पताल के बाहर बैठते नहीं। राज्य शासन का एक निर्णय जो हुआ था, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में अगर समझ लीजिए खासगी अगर रुग्णालय है तो वहाँ पर 20% जो बेड रहेंगे 20% बेड ये प्राइवेट अस्पताल वालों के एंडोर रहेंगे और 80% जो बेड है महानगर पालिका के नियंत्रण में रहेंगे। लेकिन इस तरीके का नियंत्रण कहीं पर हो रहा नहीं है। अगर भंजा एक भंडे ब्लॉक चौक पर एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में अगर समझ लीजिए 10 दिन कोई पेशेंट अगर एडमिट था, मेरे मोबाइल में फोटो भी हो बिल की, 10 दिन का 43,200 रुपये आप पीपी किट का बिल लगाओगे, यानी एक पेशेंट को 4 किट एक दिन में लगने वाली है। पीपी किट का जो बिल है, मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ, आपको बिल भी व्हाट्सअप करो तो आप भी डालिए आपके माध्यम से। सर बिल्कुल प्रति पीपी किट 1,080 रुपये आपने वहाँ पर लगाए हुए हॉस्पिटल वालों ने, पेशेंट वहाँ से मरीज जो है बेचारा ठीक होकर गया होगा या किसी मरीज की अगर डेथ अगर हो गई होगी तो एक आधा कोई भी मरीज और जिनकी अगर बेचारे की डेथ भी अगर हुई होगी पूरे जीवन में 45,000 रुपये के कपड़े उसने बेचारे ने गरीब ने कभी खरीदे नहीं होंगे, ये 10 दिनों में उनको पीपी किट के पैसे 10 दिनों में पीपी किट के पैसे उनको उतना भरना पड़ा वहाँ पर 45,000 रुपये 43,000 रुपये 200 रुपये। मेरे मोबाइल में वो फोटो भी मैंने निकाल के रखी हुई, ये देखिए ये है, ये नाम है वंजारी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल 181 लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स भंडे प्लॉट स्क्वायर उमरेड रोड नागपुर। किसी को बदनामी नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन ये पेशेंट का नाम मैं आपको बताता हूँ, ज्ञानेश्वर गोविंदराव इंगोले, ये पेशेंट का नाम है ज्ञानेश्वर गोविंदराव इंगोले, ठीक है। ये पीपी किट देखिए, ये पीपी किट का बिल, ये पीपी किट का बिल, ये देखिए ये पीपी किट 22/4/2021 पीपी किट है ना, ये 1,080 रुपये प्रति रेट, क्वांटिटी 40, 43,200। पेशेंट कितने दिन एडमिट था, पेशेंट 10 दिन एडमिट था, यानी ये जो बेचारे गोविंदराव इंगोली जी काका जो है, ये जो ज्ञानेश्वर गोविंदराव इंगोली काका है, इन्होंने पूरे जीवन में 45,000 रुपये के कपड़े नहीं खरीदे होंगे, कपड़े कुल मिला के कपड़े, यानी बनियान चड्डी बनियान बोलो पैंट बोलो शर्ट बोलो, इन लोगों ने खरीदे नहीं होंगे, लेकिन 45,000 रुपये 10 दिन के अंदर में पीपी का बिल ये अस्पताल वाले लगा रहे। तो इसलिए निरंतर जो है ये आक्रोश, ये सिर्फ हमारा आक्रोश नहीं है, नागपुर के प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति का ये आक्रोश है कि महानगर पालिका जिस तरीके से नियंत्रण कर रही है वो नियंत्रण बराबर है नहीं। आरोप प्रत्यारोप हम किसी के ऊपर में कर रहे नहीं, भाजपा कांग्रेस हम जीवन बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थिति नागपुर शहर में है, नागपुर शहर का प्रत्येक नागरिक जो प्रताड़ित हुआ है तो वो देखेगा किसके तरफ में, वो जाएगा किसके तरफ में। मेरा एक दोस्त है गौरव यादव, हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से काम करता है, खामटी में रहता है वो, भैया बोले मैं पहले भैंसे चराता था, मेरे हाथ में कंट्रोल रहता था 100 भैंसों का, लेकिन एक भी भैंस इधर से उधर होती नहीं थी क्योंकि मेरा कंट्रोल था। आज नागपुर शहर का कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन चला रहा है नागपुर शहर? नागपुर शहर की जो जितने भी जो नागरिक है, जो बेचारे मरीज है, मरीजों के रिश्तेदार है, वो भैंसों से और बकरियों से भी बदतर हालत है महानगर पालिका के आयुक्त जो है और महानगर पालिका ने करके रखी हुई है। सीधा मैं उनके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, इसलिए जो कहीं ना कहीं पर मैं वहाँ पर चिढ़ा था और महानगर पालिका के आयुक्त को फिर से बोला था मैंने वहाँ पर कल, वहाँ पर जब हमने विभागीय आयुक्त को हमने निवेदन दिया सम्माननीय पालक मंत्री जी इनके माध्यम से और नाना पटोली जी वहाँ पर उपस्थित थे, तो उनका यही कहना था कि हम इसके ऊपर में टास्क फोर्स लगाएंगे। भैया टास्क फोर्स को अब लगाओगे, 8-8 लोग वहाँ पर मृत्यु जिनकी रोज डेथ हो रही है रेडियंस अस्पताल में, और जो भी लाइव वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो क्यों डाल रहे हैं हम लोग वहाँ पर, हमको शौक है क्या? लेकिन ये माध्यम से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा जो अस्त्र है, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर में जो भी चीज़ें आपके ऊपर बीत रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप बाहर निकालिए, ताकि आयुक्तों ने वो देखना चाहिए। इसके पहले के जो आयुक्त थे सम्माननीय तुकाराम मुंडे जी, एक चेहरा था, कहीं ना कहीं पर लोग डरे हुए नहीं थे, लेकिन आज लोग डरे हुए सहमे हुए, ये डरे हुए सहमे हुए लोगों को कहीं ना कहीं पर हमको आधार देना पड़ेगा
उनकी हिम्मत हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये डरे हुए सहमे हुए लोगों को जितने भी अधिकारी है, ये जितने भी अधिकारी, एक तो भी अधिकारी कोई हॉस्पिटल के अंदर में राउंड मारता क्या? तुकाराम मुंडे जी अगर होते तो ये अगर ऑडिटर वहां पर अगर बैठा नहीं होता तो सीधा सीधा वो हॉस्पिटल का उन्होंने लाइसेंस भी कैंसिल किया होता और सीधा सीधा उनको बैन भी किया होता और ऑडिटर की ऐसी तैसी करके उनका भी निष्कासन किया होता। आप महानगर पालिका के हेल्पलाइन पे आप फोन करते हो, एक भी अधिकारी फोन उठाता है क्या? नहीं उठाता। 24 घंटे रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, जान दो 10 से 5 बजे तक भी कोई भी रिप्लाई वहां से महानगर पालिका से आ रहा है क्या भैया? तो इसलिए महानगर पालिका से रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर तुकाराम मुंडे जी होते, गटर का ढक्कन भी अगर टूटा हुआ है, ये वसीम शेख है, आकाश गुजर है, इरफान काजी है, कुणाल खड़गे, सागर चौहान है, समीर रेलवे, राहुल यादव है, ये सभी लोग, कोई भी गटर का ढक्कन अगर टूटा हुआ है फोटो निकाल देते 45 घंटे के अंदर में वो गटर का ढक्कन ठीक हो जाता था। लेकिन आज ये जो मरीज है, ये जो मरीज बेचारे जो मर रहे हैं, जो पेशेंट एडमिट है वहां पर, ये 4-4, 5-5 लाख रुपए बिल रहने के बाद में भी 15-15 दिन हो जाते कार्रवाई होती नहीं। हमारे विधायक, पश्चिम नागपुर के विधायक जो सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक है, हमारे समझ लीजिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, जिनके नाम में विकास है, ऐसे विकास जी ठाकरे ने उनको आयुक्त साहब को कल बोला, राधाकृष्णन जी को मेरे सामने और सबके सामने, कि मीना मनले तुले मने मन, हमने तेरे को तो आपको बताया था कि 15 दिन पहले हमने आपको कंप्लेंट दी। तो आमदार का, जो आमदार हमारे शहर के अध्यक्ष है दबंग है, विकास जी ठाकरे का अगर वो आयुक्त अगर समझ लो 15 दिन होने के बाद में भी अगर समझ लो माननी रहे होंगे, तो मुझे वो कहते हैं उनके सामने ही कि रेडियंस अस्पताल का हम लोग एक आप शिकायत दो, हम टास्क फोर्स बैठाएंगे। अरे आमदार लोगों का आप सुन रहे नहीं हो, जो विधान भवन में जो बैठे हैं वहाँ पर सवाल या जवाब जो यानी प्रश्न वहाँ पर जो पूछते हैं, तो एक साधारण नगर से एक साधारण नागरिक की कहाँ सुनेंगे आप? आमदार की इज्जत नहीं कर रहे आप, जो कांग्रेस पार्टी के आमदार है। हाँ ठीक है, सरकार भली कहते हैं वहाँ विकास आघाड़ी की सरकार होंगी, लेकिन आमदार का नहीं सुन रहे आप लोग, विकास जी ठाकरे का नहीं सुन रहे आप, वो शहर के अध्यक्ष है उनका नहीं सुन रहे आप। यानी 15 दिन से वो आदमी बोल रहा है कि क्या हुआ, उनको झुलाया जा रहा है, गलत है क्या ये? तो सर ये इतने जो हॉस्पिटल के अंदर जो लूटमारी मची है, इतनी लापरवाही है, जो पेशेंट की डेथ हो रही है और मनमाने तरीके से, मतलब ये पेशेंट के हाथ में मतलब बिल थमाया जा रहा है, तो राधा कृष्णन जी कुछ इसके ऊपर मतलब कोई एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे, और प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा सर अपने नागपुर का? वो उसमें राधा कृष्णन जी यानी कैसा है कि कुछ बड़े बड़े जो नेता है, वो बड़े बड़े नेता बांसुरी बजा रहे हैं और इनका राधा कृष्ण नाम है, उनके ताल पे नाच रहे हैं कुछ नेता, बड़े बड़े नेता जो भी कोई भी होंगे, कोई भी पार्टी के नेता होंगे, ये समय कोई पार्टी आरोप प्रत्यारोप करने का समय है क्या? ये आज नागपुर के लोग मर रहे हैं और ये सब लोग देख रहे हैं। आज मुझे पता है कि मलिक मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरी सरकार भी होंगी, लेकिन मुझे पता है कि क्या होने वाला है। अभी हमारे पीछे पुलिस वाले लगाए जाएंगे, चलेंगे हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी जो है निरंतर हम लोग आंदोलन करते थे, 80-85 केस हमारे ऊपर में है, लेकिन वो जो 80-85 केसेस थी, आज 8,500 केसेस भी हम हमारे ऊपर में लगाने के लिए तैयार है। और पुलिस वालों की अगर तुम अगर धौस देते होंगे और बाकी चीज़ों की अगर धौस देते होंगे, बाउंसर लोगों की अगर रेडियंस वाला अगर समझ लीजिए गुंडे बदमाशों की अगर धौस देता होगा, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो साथी है मेरे साथ के, ये बिना मास्क के, बिना हैंडग्लोव्स के, ये कोविड वार्ड के अंदर में काम कर रहे हैं, और या भले ही कल तक कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी की महाविकास आघाड़ी सरकार होंगी, लेकिन सभी ने मिलकर मिलजुल कर कहीं ना कहीं पर ये समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और लोगों की, नागपुर के वासियों की जान बचाना चाहिए, या आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तत्काल न्यूज से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जानते हैं कि जैसा वसीम शेख जी है जो यहाँ पर, हम मेवा के अंदर भी गए थे सर, मेवा के अंदर भी हमने जो बाइट लेने की कोशिश की, तो हम लोग को वहाँ से मतलब मीडिया वालों को भी ये बोला जा रहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि मीडिया वाले यहाँ शूट नहीं करेंगे, मीडिया वाले यहाँ की कोई बात नहीं बताएंगे। तो सर अगर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता, तो सबसे पहले तो मीडिया को गाइडलाइन आती, बाद में हॉस्पिटल को गाइडलाइन जाती। वो आपकी बात बराबर है, ये समय जो है, ये समय पैनिक निर्माण करने का नहीं है। 17-18 दिनों से हम भी जो है, हम भी चाह रहे थे कि भैया पैनिक एक निर्माण ना हो, लोग डरे नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया एक ही हमारी मांग है, माननीय तुकाराम मुंडे जी को आप लाओ जी, सब लोगों को घर में बांटना पड़ेगा। हम लोग भी जो जिस तरीके की सेवा कर रहे हैं पिछले 17-18 दिनों से, कुत्ती जान की बाजी लगाकर सभी लोग, हमको घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आदमी के ऊपर में भरोसा है, वो आदमी के ऊपर में भरोसा है कि वो आदमी आने के बाद में, आदमी आए कि नहीं काका, बरोबर है कि नहीं है? ये आम पब्लिक है, आम पब्लिक बोल रही है, तुकाराम मुंडे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज पूरे के पूरे डॉक्टर्स अगर समझ लो लूट रहे होंगे, पूछो पब्लिक है, तुकाराम मुंडे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताइए, ये मेरे सगे वाले नहीं है, पूछो इनसे, बच्चों से दूर दूर खड़े हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, तुकाराम मुंडे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये कुछ हमने खरीदे हुए लोग नहीं है, दुकानदार काका है, ओ काका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये देखिए, ये सभी लोगों की चाह है कि लोग जो डरे हुए सभी में जो लोग है, ये कहीं ना कहीं पर उनको हिम्मत देने की जरूरत है। हिम्मत चाहिए लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए, लोगों को हिम्मत चाहिए, डेरिंग चाहिए कि भैया नहीं, मैं अगर ये अस्पताल में अगर मेरे आके मरीज को अगर मैं यहाँ पर अगर एडमिट अगर करूँगा, तो यहाँ पर मुझे लुटा नहीं जाने वाला है। आज एक मरीज घर के ठीक होके घर पर तो चले जाता, लेकिन घर पर जाने के बाद में कर्जे के तले वो दब जाता, 5-5, 10-10 लाख रुपये अस्पतालों के बिल है, ये बिल है अस्पतालों के।
डेढ़ साल का बच्चा एक अस्पताल में एडमिट करने नए तरवड़कर लेकर गया, गुंदड़ीपुरा में रहता है, डेढ़ साल का बच्चा जो पॉजिटिव था, गरीब घर से आता था, डेढ़ साल का बच्चा। उसके बाप को, उनके पिताजी को, बच्चे के पिताजी को बोला जाता है 5 लाख रुपए जमा करो। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। नियम निकाश सब धागे धोरे सब जो है ना वो हवे में अभी चालू है। इसलिए आयुक्त महोदय के सामने जो बड़े बड़े हमारे कोई भी नेता होंगे, या कांग्रेस को, भाजपा को, महाविकास आघाड़ी के कोई भी हो, बस बांसुरी बजा रहे हैं। और ये जो है बांसुरी बजाने के बाद में ये राधा कृष्ण जी अपनी नाच नाच रहे हैं। आयुक्त तत्काल न्यूज से बात करने के लिए शेलकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये बंटी शेलकी जी, ये जनता के बहुत प्यारे और लाडले नेता है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जनता के लिए तत्पर खड़े हैं, एनी टाइम दिन हो या रात, ये उन जनता की सेवा के लिए खड़े हैं और अपनी जितनी कोशिश हो सकती है उतना, मतलब ये अपनी कोशिश से जनता का काम करते हैं। और हमने इनसे जाना है कि इनकी नाराज़गी की असल वजह क्या है, तो आपने इनकी सारी वजह मतलब सुन ली है कि इनकी नाराज़गी की वजह क्या है। मैं अब्दुल शेख, तत्काल न्यूज़, नागपुर।